गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट बिजनेस स्टडी क्लास। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ड्यूल एस्पेक्ट और सेकंड प्रिंसिपल वेरीफाई ऑब्जेक्टिव ना, यानी कि जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो कैसे होना चाहिए, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो एक प्रकार से सत्यापित हो कि सही हो, है ना। जो वाउचर के बेस पे ही जो अकाउंटिंग में लेके लिखे जाते हैं, उन्हीं की पुस्तक में जितने भी ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं किसके बेस पे, वाउचर के बेस पे। आपको जो वाउचर मिलता है उसी से हमको मालूम चलता है कि कौन सा वाउचर कैश वाउचर है या हमारा इनवॉइस है, तो यानी क्रेडिट वाउचर है ना, उन्हीं के बेस से हमको समझ में आता है। तो ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। जैसे क्या क्या होएगा, उसके अंतर्गत कौन कौन से वाउचर हो सकते हैं, जैसे कि क्या होगा, रिसिप्ट वाउचर इंक्लूड रिसिप्ट, क्या क्या होंगी, बिल हो गए, इनवॉइस हो गए, वेजेस सीट, पेरोल एक्सेट्रा, ये सब वाउचर यानी सही सही होने चाहिए। इससे पेमेंट की का भी नॉलेज हो जाता है, उनकी डेट का भी नॉलेज, और कब हमने पेमेंट किया, कब ऑर्डर लिया और कब उसमें साइन की, ये सब यानी पेमेंट की ऑब्जेक्ट आदि की पूरी जानकारी हमको मिलना चाहिए। और जो ऑब्जेक्टिविटी से हमारा मीनिंग क्या होता है कि इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका ऑब्जेक्ट आदि की भी जानकारी हमको मिल जाए और सही सही जानकारी हमको इससे मिल जाए, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे देखते हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, इतिहास, और कॉस्ट मतलब लागत, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एन एसेट इज रिटर्न इन द अकाउंट बुक एट द सेम प्राइज विच वॉज पेड एट द टाइम ऑफ द बाइंग इट, है ना। जबकि कोई सामान क्या खरीदा है, कोई भी संपत्ति यानी अकाउंटिंग पुस्तकों में या उस मूल पर किया जाता है जब उस संपत्ति को हमने प्राप्त करने के लिए उस समय जो पैसा चुकाया है, उस समय जो कॉस्ट यानी 10 साल पहले खरीदी है, एक मतलब 10,000 में खरीदी है तो 10,000 ही उनमें दिखाया जाए। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का सिद्धांत का क्या है, इनका नियम है। और इस उसके अंतर्गत प्रिंसिपल के अंतर्गत संपत्ति को प्राप्त करने के समय जो चुकाया गया हो, और जब भी एसेट को प्राप्त करने के लिए यह कॉस्ट ही संपत्ति प्राप्त के समय तथा अगले जितने भी लेखा पीरियड होंगे, अकाउंटिंग पीरियड, वही बेस मानी जाएगी। हमको किससे मार्केट वैल्यू को बेस नहीं माना जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस है वही दिखाई जाएगी, क्लियर। और जो बैलेंस शीट में एसेट केवल किस पे दिखाई जाती, कॉस्ट पे ही दिखाई जाएगी, और ये कॉस्ट जो रहेगी एवरी ईयर क्या होगा, एसेट का जो मूल्य है, कॉस्ट है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा। और उसके कारण हालांकि कम भी हो गई है कीमत उसकी, है ना, 5,000 की एसेट हमने खरीदी थी आज से 10 साल पहले, उसमें अब डेप्रिसिएशन लगता गया तो उसकी वैल्यू कम होती गई, परंतु फिर भी वही कीमत पे वो दिखाई जाएगी, ठीक है। इस प्रकार जो एसेट है अपनी वो बैलेंस शीट में किस पे, बुक वैल्यू पर ही दिखाई जाएगी। और एसेट तथा लायबिलिटीज के वैल्यूएशन का ये क्या है, एक हिस्टोरिकल बेस्ड है, इसी को ही क्या माना जाता है, सबसे सही माना जाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम रेवेन्यू, इसका अगला सिद्धांत है अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, यानी जो हमारे पास पैसा आ रहा है तो उनको क्या करते हैं हम, जो भी पैसा आ रहा है
तो वो पैसे क्या है, सेल से प्राप्त हुआ है या प्राप्त होने वाली जो रिसीव होने वाली राशि से, जो यानी हमको सेल से कुछ सेल से प्राप्त करके प्राप्त हुआ है। और इस प्रिंसिपल में यह क्या किया जाता है, स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि जो हमारे रेवेन्यू को क्या माना जाए कि हमको प्राप्त हो चुका है। इसके इसमें भी तीन बेस्ड माने गए हैं, एक तो सेल्स बेस माना गया है, सेकंड नंबर पे क्या माना गया है कि कैश बेस, और थर्ड नंबर पर प्रोडक्शन बेस। क्लियर? यानी इसमें क्या होता है कि जो रेवेन्यू का मीनिंग क्या है, जो सेल से प्राप्त हुआ या प्राप्त होने वाले अमाउंट से है, जो हमको सेल से प्राप्त होने हो रहा है। तो कई यानी अकाउंटिंग के जो विद्वान थे, उनने तीन को बेस मान के इससे चर्चा की गई, एक सेल के बेस पे, एक कैश कैश बेसिस एंड प्रोडक्शन बेसिस। सेल्स बेसिस यानी कि जिसका कि पेमेंट मिल चुका हो ना, जो भी हमने कोई भी सामान का सेल किया, तो जब एक तरफ से हम उसको क्या देंगे, गुड्स देंगे, और दूसरी तरफ से पेमेंट की प्राप्ति हमको हो जाएगी, यानी परस्पर क्या हो, एक्सचेंज हो। तो ये क्या होगा, सेल्स बेसिस। और कैश बेसिस क्या होगा, कैश बेसिस के अंतर्गत क्या है कि जैसे कि रेंट परचेज सिस्टम, इसमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में पैसे देते जाते हैं, कोई भी जैसे सामान खरीदा उसकी इंस्टॉलमेंट बन गया, उससे हम सामान को खरीदते हैं। तो जिस भाग का यानी पेमेंट रिसीव्ड हमको हो गया हो, वो क्या कहलाएगा, केस बेस, कैश बेसिस। और प्रोडक्शन बेसिस क्या होएगा, प्रोडक्शन बेसिस पे जैसे कि इसमें यानी जितना भी वर्क, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं हो, वर्क जितना भी कंप्लीट हो गया हो, उतने भाग का जो पेमेंट हो गया हो वो माना जाएगा। जैसे हम किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन में जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी ठेकेदार, वो बहुत मल्टीपर्पज़ यानी बिल्डिंग बना रहा है, तो वहाँ पे ये सिद्धांत होगा फॉलो। ठीक है, जितने जितने भाग का यानी निर्माण हो गया हो, उतने भाग का पैसा मिल चुका हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेवेन्यू विथ कॉस्ट। तो रेवेन्यू विथ कॉस्ट का यानी जितना रेवेन्यू आ रहा है और कॉस्ट, उसका कंपैरिजन करना। जैसे कि इनकम का हम निर्धारण कैसे करेंगे, जितना हमारा रेवेन्यू आ रहा है या कॉस्ट, उसकी कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए हमारे को रिसीव हो रहा है कहीं से भी, अब ये हमको इससे पता नहीं चल रहा भी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस की जैसा ही अमाउंट हम मालूम करना चाहें, तो इसके लिए क्या हमको पता चलना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सोल्ड ऑफ कॉस्ट, यानी जो हमने माल बेचा है उसकी लागत ज्ञात हो हमें। अब जब हम उसकी लागत हमको पता चल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जितना हमको रिसीव हुआ पैसा, उसमें से वो जितना भी हमने गुड्स बेचा है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट। और उसमें से जो सेल संबंधी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ओके, अब लास्ट है आपका फुल डिस्क्लोज़र, यानी पूरी तरह से सभी चीज़ हमको मालूम होना, यानी कि जितने भी हम क्या बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, वो क्या बना है, ऑनेस्टी से, उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो जानबूझकर, ये सबको पता चलना चाहिए कि हमने क्या उसमें लिख रहे हैं, कैसे हम उसको बना रहे हैं। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो
कि जो बिजनेस से संबंधित कोई भी सीक्रेट बातें हैं वो बता दी जाए, है ना, जानबूझ कर, यानी कोई भी गलती ना हो। तो आपके ये क्या है, सेकेंड यानी बी नंबर का जो आपकी प्रिंसिपल थे, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मॉडिफाइड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। आज के लिए बस इतना ही, आप इसी को रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर।